हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बना है ये। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, ये वैनिला फ्लेवर का है। और मैंने यहाँ थोड़े से फ्रूट्स लिए हैं। फ्रूट्स मैंने एक एप्पल को काट लिया है, एक सेब को, एक अनार को काट लिया है और एक केले को काट लिया है, और थोड़े से मैंने अंगूर लिए हैं। आप जो फ्रूट्स लें वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो कोई से भी ले सकते हैं। ये मैंने दूध लिया है 1 लीटर। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है, रूम टेम्परेचर पे। और ये मैंने एक बाउल में अलग दूध लिया है, ये ठंडा दूध है। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर को मिलाएंगे, इसलिए मैंने इसे अलग से लिया है। और ये जो दूध मैंने 1 लीटर लिया है, पतीली मैंने गैस पे चढ़ा दी है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से खौल आने तक पका लेंगे और चलाते रहेंगे ये बीच बीच में, ताकि जले ना। तो ये दूध हमारा गर्म हो रहा है। ये देखिए, इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है दूध में। अच्छी तरीके से इसको दूध को खौला लेंगे। अब मैंने इसमें दूध में खौल आ गई थी, तो मैंने यहाँ फ्लेम को एकदम कम कर दिया है। और यहाँ पे मैंने इसमें अब ऐड करी है 2 कप चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। मैंने 2 कप ऐड करी है। अब इसको अच्छी तरीके से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। ताकि चीनी इसमें अच्छी तरीके से घुल जाए, मिक्स हो जाए। तो देखिए, अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है यहाँ पे। अब ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गई है। अब हमने एक बाउल में जो ठंडा दूध लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने देखिए पैकेट खोल लिया है, इसमें से मैं 5 बड़े चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर इसमें डालूंगी। तो मैंने इसमें 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, एकदम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका बिल्कुल। अगर हम इसको गर्म दूध में कस्टर्ड को डायरेक्ट ऐड करते तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती, इसलिए इसे अलग दूध में, ठंडे दूध में या फिर रूम टेम्परेचर पे के दूध में ही इसको मिलाना है। अभी देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक तरफ हमारा जो दूध गर्म हो गया था, अब इसमें धीरे धीरे करके इसे ऐड करेंगे 2 बार में। तो देखिए, मैंने इसमें पहले आधा डाल दिया है, अब इसको मिक्स कर दिया है। अब इससे मैंने आधा और डाल दिया, सारा डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके चला दिया है, बिल्कुल भी चलाते रहेंगे कंटिन्यू। अभी धीरे धीरे थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा और करना है अभी थिक।
ये देखिए आप देख सकते हैं कि चम्मच में ऊपर से रुक रहा है, इसका मतलब ये कि ठीक अच्छे से हो गया ये। मैं टोटल इसको 10 से 12 मिनट पकाया है टोटल। अब देखिए इसे ठीक करते हुए हमको 5 मिनट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है बंद। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। अभी बिल्कुल ठंडा रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो मैंने यहाँ पे इसमें फ्रूट ऐड करे हैं। सारे ऐड कर दूँगी, बस थोड़े से गार्निशिंग के लिए रहने दूँगी। तो मैंने सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, पर थोड़े से रहने दिए हैं ऊपर से डालने के लिए। और अब इसको फ्रूट्स को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए हमारा कस्टर्ड हो गया है बिल्कुल तैयार। बहुत डिलीशियस बना है। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए ऊपर से इसमें फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।